हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। हमारा टॉपिक चल रहा था फेरिंग्स, और मैंने बात की थी फेरिंग्स पार्ट वन में, मैंने बात की थी लैरिंगो फेरिंग्स की और फेरिंग्स के जनरल बाउंड्रीज वगैरह वो सब देखी थी हमने। सेकंड जो पार्ट था उसका, उसमें मैंने बात की थी हमारे ओरो फेरिंग्स की, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेजो फेरिंग्स को और उसके बाद मसल्स ऑफ द फेरिंग्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि नेजो फेरिंग्स क्या होता है, क्योंकि लैरिंगो खत्म हो चुका, ओरो खत्म हो चुका, तो लैरिंगो फेरिंग्स ओरो फेरिंग्स तो मैंने बता दिया, अब बचा है नेजो फेरिंग्स। तो नेजो फेरिंग्स क्या है? नेजो फेरिंग्स में ज्यादा कुछ नहीं है, जो हमारे नेजल कैविटी है ना, नाक के पीछे वाला जो पार्ट है वो है नेजो फेरिंग्स। तो इसमें दो लैंडमार्क्स आते हैं। कौन कौन सी दो चीजें हमें नेजो फेरिंग्स में दिखेगी? एक होता है एडिनोइड, जिसको हम बोलते हैं नेजो फेरिंजियल टोन्सिल, जो मैंने पिछली वीडियो में टोन्सिल में आपको बताया था। तो नेजोफेरिंजियल टोन्सिल बोलते हैं हम एडिनोइड को। तो एडिनोइड कहाँ मिलता है हमको? नेजोफेरिंग्स के अंदर, और दो यूस्टेकियन ट्यूब की ओपनिंग मिलती है। देखो इस तरह समझो कि मान लो ये नेजोफेरिंग्स है, तो यहाँ पे बीच में एडिनोइड प्रेजेंट है, मतलब टोन्सिल प्रेजेंट है। यहाँ पे दोनों तरफ से खुलती है, कौन सी? हमारी यूस्टेकियन ट्यूब, या फिर ऑडिटरी ट्यूब हम बोलते हैं उसको। तो ये दोनों चीजें यहाँ ओपन होती है। तो किसके अंदर ओपन होती है? नेजोफेरिंग्स में। तो याद रखना, कोई पूछे तो कि यूस्टेकियन ट्यूब कहाँ ओपन होती है, तो यूस्टेकियन ट्यूब ओपन होती है हमारे नेजोफेरिंग्स के अंदर। और नेजोफेरिंजियल टोन्सिल भी कहाँ होता है? देखो पिछली वीडियो में मैंने वोल्डेयर जो रिंग थी उसके अंदर नेजोफेरिंजियल टोन्सिल बताया था, लेकिन ये नेजोफेरिंजियल टोन्सिल वहां बताने का मतलब ये नहीं था कि वो हमारे ओरोफेरिंग्स का पार्ट है, वो हमारे नेजोफेरिंग्स का पार्ट है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स। स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स का क्या मतलब है? कि अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएं, सबसे अंदर फेरिंग्स के अंदर कैविटी है ना फेरिंग्स, तो एक तरह से तो उसकी लेयर बाय लेयर देखें अंदर से बाहर, तो कौन कौन सी लेयर आती है? तो ये मैंने अंदर से बाहर बताया है। अंदर से बाहर की तरफ अगर हम देखें तो सबसे अंदर की तरफ जो होती है वो होती है म्यूकोसा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हर ऑर्गन की लेयर देखो हमने पढ़ा हुआ है 11th 12th में, म्यूकोसा, उसके आउटर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस लेयर जो मसल कोट आता है, और आखिरी में हमारे पास आती है हमारी सीरोसा। तो सबसे अंदर तो म्यूकोसा होती है ना, म्यूकोसा के बाद आती है क्या? सब म्यूकोसा। तो यही फेरिंग्स में होता है। तो फेरिंग्स का ये डायग्राम हम देखें पहले, तो ये देखो फेरिंग्स कहां से कहां तक जाता था? बेस ऑफ स्कल से लेके नीचे क्रिकोइड के बाउंड्री तक जाता था। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे देखो यूस्टेकियन ट्यूब मैंने दिखाई हुई है, यहां से पिंक कलर में आपको जो दिख रही है ये लेयर, ये सबसे अंदर वाली लेयर है हमारे फेरिंग्स की। मतलब इधर क्या है? फेरिंग्स है। तो सबसे अंदर वाली लेयर मतलब नंबर वन इज द म्यूकोसा। तो नंबर वन जो मैंने लिखा हुआ है वो म्यूकोसा है। नंबर टू देखोगे तो आपको एक ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, इसको भी छोड़ो, ग्रीन और पिंक कलर के बीच में गैप है, ये ग्रीन और पिंक कलर के बीच में गैप है, इसको मैंने दिखाया हुआ है टू से। तो दो नंबर पे जो है वो है हमारी सब म्यूकोसा ऑफ फेरिंग्स। इसके बाद जो ये ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये क्या है? एक फेशिया है, जो हम पढ़ चुके हैं डीप सर्वाइकल फेशिया वाले टॉपिक में, ये है हमारा फेरिंगो बेसिलर फेशिया। तो फेरिंग्स में आता है इसलिए फेरिंगो बेसिलर फेशिया बोलते हैं। तो ये ग्रीन कलर में फेरिंगो बेसिलर फेशिया है, ये हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे अंदर म्यूकोसा थी पिंक कलर में, उसके बाद हमारा एक देखो सेकंड जो था वो सब म्यूकोसा था, थर्ड इज द फेरिंगो बेसिलर फेशिया, उसके बाद आपको ये तीन दिख रही होंगी ऑरेंज कलर में, ये क्या है? ये देखो इसको इस तरह से समझो, मान लो ये हमारी गर्दन है, दिस इज आर नेक। ठीक है, उस नेक के बाद क्या शुरू हो जाएगा? नेक नहीं, ये हमारा फेरिंग्स है, नेक नहीं है, ये मैंने फेरिंग्स बनाया। मान लो इधर ही हमारी गर्दन है, ये मान लो इस तरह से, ये हमारा फेरिंग्स ही है पूरा। ठीक है, उसके बाद ये नीचे ईसोफेगस है, ये है हमारा ईसोफेगस। ठीक है, तो इसमें मैं ना अब आपको बताता हूँ, ऊपर की तरफ मान लो ये है हमारा बेस ऑफ स्कल, जो मैंने ये ब्राउन कलर में दिखाया, ये बेस ऑफ स्कल मान लो, उसके नीचे से फेरिंग स्टार्ट हो जाता है। तो तीन मसल होती है फेरिंग्स में, आउटर की तरफ, बाहर की तरफ तीन मसल होती है, आउटर मसल कोट जो है उसमें तीन आएंगी, एक होता है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, एक होता है मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर, और एक होता है इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। ये तीनों सर्कुलर मसल है, मतलब इस तरह से फेरिंग्स को सर्कल की तरह घेरती है पीछे से आगे की तरफ। ठीक है, तो सर्कुलर फॉर्म में होगी, तो सर्कुलर लेयर होगी, तो सर्कुलर लेयर ऑफ फेरिंग्स में तीन मसल आएंगी, एक सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, एक मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर, और एक इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर उनको बोलते हैं। तो सबसे ऊपर जो होती है वो होती है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। तो मान लो ये हमारी है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ये मैंने पूरी सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर बना दी पर्पल कलर में, तो ये क्या है हमारी सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर SC, देखो ये लिखा हुआ मैंने सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, उसके बाद जो लेयर आती है इसके नीचे की तरफ जो होती है वो होती है मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर, ये हमारी क्या होगी? मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, तो दिस इज द मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर।
उसके बाद जो थर्ड लेयर जो होती है वो होती है इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। अब इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर जो है वो दो पार्ट्स में बढ़ जाती है। तो जो हमारी इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है उसकी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्या थायरोफेरिंजियस, एक होता है थायरोफेरिंजियस टीपी लिख रहा हूं उसको मैं, और एक होता है क्रीकोफेरिंजियस। सारी चीज आगे लिखी हुई है, अभी एक बार बस शॉर्ट फॉर्म में ही समझ लो। एक होती है थायरोफेरिंजियस जो थायरॉइड कार्टिलेज से आती है फेरिंग्स की तरफ, एक होती है क्रीकोफेरिंजियस जो क्रीकोइड कार्टिलेज से फेरिंग्स पे जाती है। तो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल के दो पार्ट्स होते हैं, दो अलग अलग मसल से मिलकर बनी हुई है इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। जो थायरोफेरिंजियस है इसके होते हैं ओब्लीक फाइबर्स, इसके होते हैं ओब्लीक फाइबर्स, और जो क्रीकोफेरिंजियस है इसके होते हैं हमारे सर्कुलर फाइबर्स। ठीक है, तो इस तरह समझो, अब जो मैं बना रहा हूं वो क्या बना रहा हूं थायरोफेरिंजियस, ये देखो इस तरह से ओब्लीक फाइबर्स होते हैं किसके थायरोफेरिंजियस। तो ये क्या लिख रहा हूं मैं टीपी, टीपी मतलब थायरोफेरिंजियस। ठीक है, और जो सर्कुलर मसल बन गई वो कौन सी है हमारी क्रीकोफेरिंजियस। तो ये देखो इस तरह से सर्कुलर फाइबर्स होते हैं किसके क्रीकोफेरिंजियस, ये पर्पल में होगी क्रीकोफेरिंजियस। दोनों मिलके क्या बनाते हैं इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, अब होता क्या है दोनों के बीच में, इनके बीच में ये गैप बनता है ट्रायंगुलर गैप, यहां पे कुछ कोई मसल नहीं होती, इसको हम बोलते हैं क्या किलियंस डेहिसेंस। तो ये क्या है एक खाली एरिया है किलियंस डेहिसेंस जहां पे कोई मसल नहीं है। तो किस किस के बीच में बनी ओब्लिक फाइबर्स ऑफ इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और सर्कुलर फाइबर्स ऑफ इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के बीच में एक गैप बन जाता है। तो इस गैप के बारे में तो अगली वीडियो में बात करेंगे, अभी जो मेरा मेन मकसद था वो था तीनों मैंने मसल बता दिया आपको, ये तो हम सामने से देख रहे हैं। अगर हम इनका कट सेक्शन देखें जो हम यहां देख रहे थे, तो उसमें ये मसल कुछ इस तरह अरेंज होती है कि सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर को ओवरलैप करता है, मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को ओवरलैप करता है। देखो ये इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर थी उसके ऊपर देखो ये ओवरलैप कर रहा है, ये देखो ये इसको ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे ये ओवरलैप कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होता है, तो ऊपर की तरफ सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, थोड़ा नीचे और पीछे की तरफ मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर, और नीचे और पीछे की तरफ इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। तो ये तीन मसल मिलकर क्या बनाती है हमारा मस्कुलर कोड बनाती है, जो मैंने फोर नंबर दे रखा है, मतलब ये रहा हमारा मस्कुलर कोड। तो हम बात कर रहे थे लेयर्स ऑफ द फेरिंग, सबसे अंदर क्या थी म्यूकोसा, थोड़ा बाहर चले सब म्यूकोसा, और बाहर चले तो आई थी हमारी फेरिंगोबेसिलर फेशिया, और बाहर चले तो तीन मसल आई थी सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, जो मिलकर क्या बना रही थी मस्कुलर कोड। उसके और बाहर चलेंगे तो ये देखो एक और फेशिया आता है ग्रीन कलर में, इसे हम बोलते हैं बक्कोफेरिंजियल फेशिया। तो लास्ट चीज था बक्कोफेरिंजियल फेशिया। तो हमें पांच चीजें याद रखनी है, इसको आप याद कर लेना MSPMD। ठीक है, एम से बन गया म्यूकोसा, एस से सब म्यूकोसा, पी से फेरिंगोबेसिलर फेशिया, एम से मस्कुलर कोट, और बी से बक्कोफेरिंजियल फेशिया। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स बता दिया, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है मसल्स ऑफ द फेरिंग्स। तो मैंने अभी आपको मसल्स थोड़ी बहुत बता भी दी। तो मसल्स ऑफ फेरिंग्स को मैंने दो पार्ट में बांटा है, एक होती है आउटर सर्कुलर मसल और एक होती है इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल। बाहर की तरफ सर्कुलर मसल्स होती हैं इस तरह से जो फेरिंग्स को बनाते हैं, बीच में ल्यूमन बनेगा ना, और अंदर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। तो बाहर वाली सर्कुलर हमने बात कर ली सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के दो पार्ट थे, एक था थायरोफेरिंजियस एक क्रीकोफेरिंजियस, पूरा लिख देता हूं, एक था थायरोफेरिंजियस और एक होता है हमारा क्रीकोफेरिंजियस। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल भी इस तरह से तीन होती हैं, मैं आपको बताऊंगा मैंने कहां बताई थी ये तीनों। पहले नाम देखते हैं, एक है स्टाइलोफेरिंजियस, नाम में आ रहा है क्या स्टाइलो, स्टाइलो मतलब कहां से ओरिजिन हो रहा है स्टाइलोइड प्रोसेस से। एक है सेल्पिंगोफेरिंजियस जो ऑडिटरी ट्यूब से स्टार्ट होती है। ठीक है, एक है पैलेटोफेरिंजियस, पैलेटोफेरिंजियस में आ रहा है पहले पैलेट, तो पैलेट से स्टार्ट हो रहे है। तीनों में बाद में आ रहा है फेरिंजियस, मतलब फेरिंग्स में इंसर्शन है, ओरिजिन कहां से हो रहा है स्टाइलोइड प्रोसेस से, ये ऑडिटरी ट्यूब से स्टार्ट होती है और ये पैलेट से स्टार्ट होती है। तो इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर में भी तीन मसल है स्टाइलोफेरिंजियस सेल्पिंगोफेरिंजियस और पैलेटोफेरिंजियस। मैंने इसको आपको लैरिंग्स में बताया था, मैंने बोला था लैरिंग्स का जो थायरॉयड कार्टिलेज है इस तरह से प्रेजेंट होता है ना कुछ सामने से देखे तो मैंने जो ये पीछे पोस्टीरियर जो इसका बॉर्डर था मैंने उसमें बताया था कि तीन मसल वहां पे मतलब जाके इंसर्ट होती है, कौन कौन सी स्टाइलोफेरिंजियस थी सेल्पिंगोफेरिंजियस और पैलेटोफेरिंजियस। मैंने बताया था या तो याद कर लो SSP से या फिर याद कर लो PSS से। ठीक है, इस तरह से इसको याद कर लो। अब चलते हैं एक एक मसल का ओरिजिन देखते हैं।
थोड़ी स्टोरी बताऊं तो मैंने पहले भी बताया कि सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर इंफीरियर मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर को ओवरलैप करती है, मिडिल इंफीरियर को ओवरलैप करती है। एक सेकेंड, डायग्राम में दोबारा मैंने कुछ गलती कर दी शायद। बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे ना ओवरलैपिंग, मैंने ये चीज गलत कर दी। इन्फीरियर मिडल को ओवरलैप कर रही है और मिडल सुपीरियर को ओवरलैप कर रही है। मैंने उल्टा बता दिया था कि सुपीरियर मिडल को कर रही है, ऐसा नहीं हो रहा। ऊपर वाली चीज तो ये है ना, अंदर से बाहर जा रहे हैं तो बाहर वाली चीज ओवरलैप करती है। तो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ओवरलैप करती है मिडल को और मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर ओवरलैप करते हैं सुपीरियर को। तो होता क्या है, जो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है वो ऊपर बेस ऑफ द स्कल तक जाता है, यहाँ पे बेस ऑफ स्कल प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और बेस ऑफ स्कल में थोड़ा गैप रह जाता है। इस गैप को फिल करता है कौन, हमारा फेरिंगो बेसिलर फेशिया। ये फेरिंगो बेसिलर फेशिया थिक हो जाता है और इस गैप को फिल कर देता है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये वाला डायग्राम जो मैंने बनाया है, ये है साइड व्यू, ठीक है। इसमें देखो आपको टंग दिख रही है, ये टंग हो गई हमारी, ये हमारे दांत हो गए, मैंडिबल का पार्ट है जिसके ऊपर दांत लगे, एल्वियोलर पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ऊपर से ये एक आ रही है मीडियल टेरिगोइड प्लेट, ठीक है। और इसका जो ये पोर्शन आपको पैना वाला पोर्शन दिख रहा है, जो शार्प पोर्शन है, उसे हम बोलते हैं टेरिगोइड हेमुलस। और यहां से ये एक देखो एक मीडियन एक रिज जा रही है, इसको बोलते हैं क्या, टेरिगोमैंडिबुलर रेफे। तो अब इसको देखते हैं ओरिजिन, पहले देखते हैं सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। देखो ये ऊपर वाली मसल है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, जो मैंने एस सी से लिखा हुआ है। बीच में एक मसल दिख रही होगी, ये है मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर, एम सी से लिखा हुआ है। और नीचे एक मसल दिख रही होगी, ये है इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, और एक और पार्ट है इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। ये क्या है, सर्कुलर फाइबर्स इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के, और ये वाले सॉरी ये है सर्कुलर फाइबर और ये है हमारे ओब्लीक फाइबर्स, ठीक है। और नीचे ईसोफेगस स्टार्ट हो जाता है। ये देखो आगे थायरॉइड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज है, इनका यूज भी बताता हूँ अभी। और ये हमारी हाइवेड बोन है, ठीक है। ये तो मैंने आपको लैंडमार्क्स बता दिए। अब पहले देखते हैं ओरिजिन सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर का। तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर कहाँ कहाँ से ओरिजिन लेती है, तो नंबर वन ये ओरिजिन लेती है टेरिगोइड हेम्युलस। मतलब सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर देखो ये है, कहाँ कहाँ से ओरिजिन हो रहा है खुद देखो, इस पार्ट से हो रहा है, ये क्या है हमारा टेरिगोइड हेम्युलस, इससे ओरिजिन हो रहा है। सेकंड है टेरिगोमैंडिबुलर रेफे, देखो ये रहा, इससे भी तो ओरिजिन हो रहा है ना, मसल यहाँ पे जुड़ी हुई है तो यहाँ से ओरिजिन हो रहा है इसका। ये रहा ओरिजिन सेकंड टेरिगोमैंडिबुलर रेफे। थर्ड है मीडियल सरफेस ऑफ मैंडिबल, यहाँ पे नहीं दिखेगा लेकिन मीडियल सरफेस ऑफ मैंडिबल से ओरिजिन लेती है, और लेती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग की साइड से, साइड ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। तो ये चार जगह से ओरिजिन लेती है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। डायग्राम याद कर लेना, सब याद हो जाएगा। टेरिगोइड हेम्युलस, उसके बाद ये टेरिगोमैंडिबुलर रेफे, नीचे आओगे तो हमें मीडियल साइड ऑफ द मैंडिबल, मीडियल सरफेस ऑफ मैंडिबल मिलेगा, और यहाँ पे हमें टंग का साइड वाला पार्ट मिलेगा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग का, ठीक है। तो इन चार जगह से ओरिजिन लेगी सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर पे चलते हैं, तो देखो ध्यान से मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर कहाँ से ओरिजिन ले रहा है, ये देखो स्टाइलोइड प्रोसेस से हायोइड बोन पे एक लीगामेंट जा रहा है, ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये लीगामेंट है हमारा स्टाइलो हायोइड लीगामेंट। तो इसी स्टाइलो हायोइड लीगामेंट से ओरिजिन लेता है मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर, तो लोअर पार्ट ऑफ द स्टाइलो हायोइड लीगामेंट, ठीक है। सब कुछ डायग्राम पे बेस्ड है, डायग्राम याद कर लोगे ये सब याद हो जाएगा। तो किससे ले रहा है, स्टाइलो हायोइड लीगामेंट। उसके बाद देखो हायोइड बोन का ये जो कॉर्नुआ है, इसे हम बोलते हैं लेसर कॉर्नुआ ऑफ हायोइड, ठीक है। और तो और ये ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ हायोइड से भी ओरिजिन लेता है, उसके अपर बॉर्डर से। तो तीन जगह से ओरिजिन हुआ, लोअर पार्ट ऑफ द स्टाइलो हायोइड लीगामेंट, लेसर कॉर्नुआ ऑफ हायोइड बोन, अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ द हायोइड बोन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। ये पूरा हमारा इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर है, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के दो पार्ट, एक था थायरोफेरिंजियस, एक था क्रिकोफेरिंजियस। इसको मैंने टीपी बोला था, इसको मैंने सीपी बोला था, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये देखो टीपी कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, थायरो मतलब थायरॉइड से ओरिजिन हो रहा है, फेरिंग्स में जा रहा है। ये देखो हमारा थायरॉइड कार्टिलेज, यहां से ये ओरिजिन लेते हैं ओब्लीक फाइबर्स। तो ये क्या है हमारा, थायरोफेरिंजियस। उसके अलावा क्रिकोफेरिंजियस के होते हैं सर्कुलर फाइबर्स, तो ये हमारा हो गया क्या, क्रिकोफेरिंजियस, ठीक है। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। तो क्रिकोफेरिंजियस का ओरिजिन हो गया क्रिकोइड से, और थायरोफेरिंजियस का हो गया थायरॉइड कार्टिलेज से। अब इनका इंसर्शन भी देख ही लेते हैं। तो इंसर्शन होता है मीडियल रेफे, मतलब सारी मसल पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स पे बीच में जाके, देखो ये सारी मसल इस तरह से आके बीच में, इधर से भी इधर से भी, बीच में एक रिज होती है जिसे हम बोलते हैं मीडियन रेफे। बीच में क्या होती है, रिज टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रेफे बोलते हैं। तो उस मीडियन रेफे में पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स में जाके ये इंसर्ट हो जाती है, सारी की सारी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल बता रहा हूं मैं, ये मैंने सारी कॉन्स्ट्रिक्टर मसल बताई है, ठीक है। बाकी जो लॉन्गिट्यूडनल लेयर वाली मसल थी उनका ना, तो सब कुछ तो नाम में ही छुपा हुआ है। स्टाइलोइड्स ओरिजिन, फेरिंग्स में इंसर्शन,
ऑडिटरी ट्यूब से ओरिजिन, फेरिंग्स में इंसर्शन, पैलेट से ओरिजिन, फेरिंग्स में इंसर्शन, सिंपल बात है, ठीक है। तो ये मैंने बात की नेजोफेरिंग्स की, और उसके बाद मसल्स ऑफ द फेरिंग्स की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ से पास करते हैं, इन कॉन्स्ट्रिक्टर के बीच में गैप भी होता है तो वहां से कुछ स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। उसके अलावा देखेंगे किलियंस डाइसेंस को और नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई भी देख लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, अपने जितने भी मेडिकल फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।